पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने मुजाकरात की इजाजत दे दी। शिबली फराज ने भी मुजाकरात के हवाले से तस्दीक कर दी। मजीद बता रहे हैं उसामा इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ मुजाकरात के लिए आमादा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने बानी पीटीआई की जानिब से मुजाकरात की इजाजत दिए जाने की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात का भी यही है कि जो भी होंगे वो हमारे वो इमरान खान साहब की जो ये प्रिंसिपल पोजीशन है कि वो अपने उसूली मौकफ से हटेंगे नहीं और जो भी होगा वो कानून और आईन के दायरे के अंदर होगा। सेनेटर शिबली फराज ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगु की। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए मशरूत तौर पर तैयार है। मुज़ाकरात के पैरामीटर्स पहले तय किए जाएंगे। नून लीग जो है उस वक्त अवाम के एतमाद तो मुकम्मल तौर पे खो चुकी है। ये अब 16-17 सीट्स वाली पार्टी बन गई है। उनकी तो कोशिश यही है कि हमें फौज से लड़ाया जाए, लेकिन हम उनके ना हमारी ये पॉलिसी रही है, ना ये हमारी पॉलिसी है और ना ये हमारी पॉलिसी होगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से सहाफी के सवाल पर उनका कहना था कि नाम आज या कल तक फाइनल हो जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए स्पीकर ऑफिस ने कंफ्यूजन पैदा किया। उसामा इकबाल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।